गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी कि एक टॉर्क की एक्सप्रेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है। आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग, सपोज दिस इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड वी आर हैविंग अ पार्टिकल एट पॉइंट पी विच इज हैविंग अ पोजिशन वेक्टर आर। ओके, ऐसा एक पार्टिकल है जो कि पी पॉइंट पर है, जो कि पोजिशन वेक्टर इसका आर है, और वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल हम एक फोर्स इस पे हम जो लगाते हैं, जो कि सपोज कर लो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई है, और ये फोर्स जो है, तो ये जो हमारी डायरेक्शन है इसकी पोजीशन वेक्टर की, इसके साथ एंगल जो है तो वो फाई बना रही है। इट्स एंगल दिस फोर्स, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल बना रही है फाई विद द डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन वैक्टर। और अगर एक्स एक्सिस के पैरल हम यहाँ से लाइन ड्रा करें, तो ये फोर्स जो होते हैं, हमने ये सपोज किया है कि इसने अल्फा एंगल बनाया है विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ उसने अल्फा एंगल बनाया, और जो हमारा पोजिशन वैक्टर है इसके साथ उसने एंगल बनाया है फाई। ठीक है जी, अब आप देखिए, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये एक ट्रांसवर्सल उनको काटती हुई जा रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा क्यों हो जाएगा कि आप जानते हैं, जब दो पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल उनको काटती हुई जाए, तो जो सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। अब इस एंगल की हम बात करते हैं, ये अल्फा एंगल जो है, तो अल्फा एंगल किसके बराबर हो गया, थीटा प्लस फाइव। नाउ दिस एंगल अल्फा इज इक्वल टू फाइव प्लस थीटा। अब इसमें से अगर आप फाइव निकालें यहां से, तो फाइव किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस हो जाना है। इसको आप इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। अब हम जानते हैं कि टॉर्क की एक्सप्रेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स होती है। इसको इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए, ये हमने कल की थी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं, इसको मैं सपोज कर लो नाम देता हूं एन। अब ओ एन पी एक हमारे पास एक बन गई राइट ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर आर है। तो ये वेक्टर आर है, तो ये हमारी लेंथ जो होगी, जो एक्स है, ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये आर है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। और यहां से वाई डायरेक्शन जो इसकी है, इसका वाई कोऑर्डिनेट, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आर का थीटा है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। इस बात को लिखना है, इन ट्रायंगल ओ एन पी एक्स जो है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विच इज एट पॉइंट पी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये एक चीज हमारे पास आ गई। अब क्या करते हैं, ये फोर्स जो है, इसको भी हम जो दो कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट करते हैं। अब ये एंगल अल्फा है, F फोर्स इधर एक्ट कर रही है, F जो है तो ये वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए ये जो होगी हमारी साइड, ये बन जाएगी एफ एक्स, जो है कि फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा एफ कॉस अल्फा।
और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, इसी लाइन को सीधी ऊपर ले जाऊँ इधर, तो इधर एफ वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा बन जाना है ये। हमने ये जो वेक्टर था इसको दो कंपोनेंट्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। सो आल्सो फ्रॉम द फिगर लिख सकते हो, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, एफ एक्स जो है तो वो किसके बराबर आया, जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा, और एफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया एफ साइन अल्फा। अब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स भी आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू भी आ गई, एंड सो दिस इक्वेशन विच इज ऑफ द टॉर्क इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स वाई एफ एक्स एंड एफ वाई। इन चारों की वैल्यू हम इसमें लगाते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इसका क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू, अब स्टार्टिंग में एक्स है तो एक्स है आर कॉस थीटा, इंटू एफ वाई है, एफ वाई हमारे पास आ गया एफ साइन अल्फा, उसके बाद माइनस हमारे पास वाई है आर साइन थीटा, एंड एफ एक्स है एफ कॉस अल्फा। अब इनमें से देखिए आर एफ इसमें इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो एफ आर या आर एफ जो भी लिख लीजिए, इंटू क्या बजेगा, कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा। अब इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ आर इंटू इस साइन को पहले लिखूं कॉस को बाद में लिख लूं, तो ये जब ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। अब अगर आपको याद हो, आपने टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ पढ़ी थी, उनमें एक आइडेंटिटी करके ये आती है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और उसके मुताबिक ये हमारा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा बन जाएगा, क्या, साइन अल्फा माइनस थीटा बन जाएगा। एंड सो टाउ विल बी इक्वल टू एफ आर इनटू साइन अल्फा माइनस थीटा, एंड सो टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू आर साइन अल्फा माइनस थीटा। ऑफ अल्फा माइनस थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाइव, तो हम लिखेंगे आर साइन फाइव, आर साइन फाइव। अब देखेंगे कि फाइव का देखेंगे क्या चक्कर है, अब आर साइन फाइव हम कहां से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये एफ जो फोर्स है इसको, इसकी डायरेक्शन को आप रिप्रोड्यूस कीजिए नीचे की तरफ, ऐसे इसको नीचे तरफ जो रिप्रोड्यूस कीजिए, और यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर लीजिए इस पर, ये 90 डिग्री होगा, इसको नाम कोई एम दे देते हैं हम। आप देखें अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, बिकॉज वी आर हैविंग टू स्ट्रेट लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एंड इन दैट केस वी नो दैट द सेट ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, सो इफ दिस एंगल इज फाइव देन दिस वुड ऑल्सो बी फाइव। अब ये देखिए ये ओ एम पी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और उसमें ये एंगल हमारा है फाइव, ये इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये आर वेक्टर है जो हाइपोटेन्यूज है, तो इसको मैं यहां ऐसे अगर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे बना देता हूं, ये फाई है, ये पी है, ये एम है और ये ओ है, ये फाई है और ये है आर। अब आप देखिए यहां पर कि ये वेक्टर आर है, ये एंगल फाई है, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा आर कॉस फाई होना चाहिए,
आर कॉस फाई, अगर ये आर कॉस फाई है तो इसके परपेंडिकुलर वाला आर साइन फाई। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओ एम होगा ये क्या हो गया, आर साइन फाई। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, हम कहते हैं टॉर्क क्या है, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाई एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां देखिए ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है और ये आर साइन फाई जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ इन टू डी, वेयर डी इज इक्वल टू आर साइन फाई एंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द फोर्स अप्लाइड। एंड सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन विच वी वर सपोज टू प्रूव। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और अदर वे इट मे बी इन द फॉर्म दैट प्रूव दैट टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू डी, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पार्टिकल, ऐसा हो सकता है। एंड सो मेरे स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ ए टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दैट केस फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई मे बी एबल टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई मे बी एबल टू क्लियर योर डाउट्स। सो अब यहां से एक चीज आप देख सकते हैं कि टाउ क्या हो जा है, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ द टॉर्क ऑन द लीवर आर्म, तो हम क्या यहां से अगर आप देखें कि फॉर ए गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, इसलिए अब टॉर्क जो होगी किसी एक जो फोर्स के लिए लेसर और ग्रेटर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस डी, और इस डी डिस्टेंस को आप जानते हैं हम लीवर आर्म भी कहते हैं। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द टॉर्क ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द लीवर आर्म, लीवर आर्म। अब एक छोटी सी क्वेश्चन कई बार एक नंबर का पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉर्क, तो अब देखेंगे यहां पर टॉर्क हमारा वही रोल प्ले करता है कि जो ट्रांसलेशन मोशन में जो फोर्स जो रोल प्ले करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रोटेशनल मोशन है उसमें मास जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसको हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एफ इजिकल टू एम ए होता है और इसमें टाउ इजिकल टू एफ इंटू डी होता है। और इसको अगर आप देखें तो यहां पर क्या होता है कि टॉर्क, इसको देख करके हम कह सकते हैं कि टॉर्क बिल्कुल सेम रोल प्ले करता है इन द रोटेशनल मोशन एज द फोर्स प्लेज द रोल इन द ट्रांसलेशनल मोशन, इसलिए ये कहीं कई बार आपको एक नंबर का पूछ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।